गाइस आज जानेंगे कोहिनूर का इतिहास क्या है। दरअसल कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर और बेशकीमती हीरा है। माना जाता है कि 14वीं सदी में आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा की खदान में यह हीरा मिला था। तब इसका वजन 793 कैरेट था। कई सदियों तक इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता रहा। हालांकि समय के साथ हीरे को काटा भी गया, जिस कारण ये छोटा होता चला गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1526 में पानीपत के युद्ध के दौरान ग्वालियर के महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने अपनी सारी संपत्ति आगरा के किले में रखवा दी थी। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद किले पर कब्जा कर लिया और कोहिनूर भी उसके साथ चला गया। तब वो 186 कैरेट का था। ऐसा कहा जाता है कि 1738 में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल सल्तनत पर हमला बोल दिया और इस तरह ये हीरा उसके पास आ गया। इस हीरे को कोहिनूर नाम नादिर शाह ने दिया था, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ ईरान ले गया। 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई। इस तरह यह हीरा उसके पोते शाहरुख मिर्जा के पास आ गया। शाहरुख ने यह हीरा अपने सेनापति अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। अब्दाली इसे लेकर अफगानिस्तान चला गया। अब्दाली के वंशज सुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उसके साथ कोहिनूर हीरा भी था। इस बारे में जब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को पता चला तो उन्होंने 1813 में सुजा शाह से यह हीरा ले लिया। महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरे को अपने ताज में पहनते थे। 1839 में उनका निधन हो गया। उसके बाद यह हीरा उनके बेटे दलीप सिंह के पास चला गया। 1849 में ब्रिटेन ने महाराजा को हरा दिया। 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले में एक संधि हुई। इस संधि पर महाराजा दलीप सिंह से सिग्नेचर करवाए गए। समझौते के तहत कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया। 3 जुलाई 1850 को कोहिनूर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। तब ये महारानी का ताज का हिस्सा बना। अभी इसका वजन 105.6 कैरेट है। गाइस आजादी मिलने के बाद भारत ने कई बार ब्रिटेन से कोहिनूर वापस देने की मांग की, लेकिन इसे हर बार खारिज कर दिया गया। सो गाइस ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।